हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रबी क्रॉप के बारे में कि रबी फसल यानी रबी क्रॉप क्या होती है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो POLICE हो, SI हो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो रबी क्रॉप जो होती है वो रबी क्रॉप ठंडी के दिनों में सामान्यतः ये बोई जाती है और इसके बुआई का टाइम जो सीडिंग का टाइम है वो अक्टूबर नवंबर होता है और इसके हार्वेस्टिंग यानी कटाई की टाइम मार्च अप्रैल होती है। ये ध्यान रखना है कि रबी फसल कब बोई जाती है तो अक्टूबर नवंबर बोई जाती है, काटी कब जाती है तो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जो ठंडी में फसलें हमें देखने को मिलती हैं जैसे गेहूँ है एग्जाम्पल इसका, फिर उसके बाद जौ हो सकते है जौ, फिर सरसों है, सरसों के बाद मसूर है, मसूर के बाद तीसी है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं, रबी फसल के एग्जाम्पल हैं। तो रबी फसल हमने बताया अभी कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर बोई जाती है, कब काटी जाती है तो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसका टाइम ठंडी में होता है, ठंडी के समय जो होती हैं फसलें वो रबी क्रॉप होती हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, मसूर, तीसी आदि। थैंक यू।